नमस्ते दोस्तों। सर आप बता सकते हैं कि ये उत्तराखंड में जो आपदा आई है, तूफान आया है, जमीन फट गई है, इससे क्या कारण हो सकते हैं? देखो, जो उत्तराखंड में बाढ़ आई है, बरसात आई है, तूफान आया है, असल में जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है, आप देख ही रहे होंगे, उनका यह मानना है कि वहाँ बहुत सारे जो वृक्ष थे, इन 5-6 सालों में इतनी कटाई हुई है वहां कि उससे क्या है कि बिल्कुल जमीन सफेद सी हो गई है। पहले ग्रीन थी, सफेद सी हो गई है। अब उसमें जब भी बरसात आएगी तो जब जो दरख्त होते हैं उनका पानी चूस लेते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही बरसात आई, पानी इकट्ठा हुआ, नीचे जाना था, उसने मिट्टी को ही अपने साथ ले गया। तो जो जो वहां के रोड थे, ट्रांसपोर्ट थी, वो कट गया रास्ता। जहां जहां बिल्डिंगें बनी हुई थी वो भी नीचे गिर गई, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं है। अब नीचे पानी है, वो तो दब जाएंगी। तो मेन जो मुझे रीजन दिखता है, जो हमारी जो टीम है जो इसके पीछे लगी हुई है, उनका भी यही मानना है कि दरख्त कटने से ही यह त्रासदी हुई है। इसके अलावा वहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। वहां के लोग जो हैं, धन कमाना, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर ये कैसा डेवलपमेंट है, हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। मींस दरख्त भी हो, डेवलपमेंट भी हो। जैसे मैं आपको कहता हूं, ये जो घर है ना, इसके चारों तरफ मैंने वृक्ष लगाए हुए हैं। जब मैंने ये घर बनाया था तो मैंने यह पहली बात रखी थी कि मैं अपने घर में कोई वृक्ष नहीं काटूंगा। घर बनाइए आप, साथ में वृक्ष को ना काटें, जितना हो सके उन वृक्षों को बचा के रखें। आपका घर तभी सलामत रहेगा जब वृक्ष बचेंगे, क्योंकि वो पानी को चूस लेते हैं, तो आपकी जो बिल्डिंग है वैसे की वैसी रहेगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें हर हालत में वृक्षों को बचाना होगा। ऐसी डेवलपमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग मारे जाएं। जो लोग वहां देखने गए थे केदारनाथ में, उनकी भी डेथ हो गई है। तो अकाल जो मृत्यु हुई, उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। जो घूमने गए हैं वो भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने वहां की क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया। तो बोथ, मतलब जो वहां के रहने वाले हैं, जो घूमने वाले हैं, वो दोनों जिम्मेवार हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम यह कर सकते हैं, हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम वृक्ष लगाएं, ऐसी कोई डेवलपमेंट ना करें जिससे नेचर को खतरा है। ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, ऐसा कोई बिजनेस मत करें जिसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं। तो वो जो वहां का टेम्परेचर था, इतना ज्यादा हो गया, जो वहां बर्फ जमती थी तो वो भी पिघलने लग गई, इतना पानी आ गया वहां से। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो वो पिघल जाते हैं, तो पानी एकदम आ जाता है वहां। तो ये इसका इस रिस्क को हटाना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए।